आप एक फ्रीलांसर हो, इंटरनेशनली पैसा रिसीव करना चाहते हो या दूसरे किसी कंट्री से कुछ सामान मंगाना चाहते हो, तो इसके लिए आपको एक इंटरनेशनली सिक्योर पेमेंट मोड आपको चाहिए। तो इसके लिए फ्रेंड्स, पेपॉल एक सही प्लेटफॉर्म है। आप में से कुछ लोग पेपॉल के बारे में जानते होंगे। पेपॉल का फ्रेंड्स 360 मिलियन एक्टिव यूज़र है ग्लोबली और 20 इयर्स का बिजनेस एक्सपीरियंस है। इसका बेस्ट पार्ट है, आप किसी दूसरे कंट्री में पेमेंट करने के बाद अगर आपको पता चलता है कि टर्म्स एंड कंडीशन में कुछ ऊपर नीचे हुआ है, तो आपका भेजा हुआ पेमेंट को रिफंड के लिए क्लेम कर सकते हैं। आज हम जानेंगे पेपल में कैसे फ्री में अकाउंट बनाते हैं और इंडिया में पेपल का कुछ लेटेस्ट अपडेट और पेपल रेफरल लिंक के द्वारा आप कैसे अप टू $100 तक अर्न कर सकते हैं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत देव वर्मा और आप देख रहे हैं प्रशांत स्टार्टअप। प्रशांत स्टार्टअप में हम ग्लोबल स्मॉल बिजनेस एक्सपेंशन टिप्स और ट्रिक्स प्रदान करते हैं, तो फोकस में रहिए। पेपल में अकाउंट बनाने के लिए आपको चाहिए आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, वीज़ा और मास्टर कार्ड प्रेफर्ड है, और बैंक जो इंटरनेशनल बैंक के साथ जुड़ा हुआ हो। ये बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें आपको साइन अप करना पड़ेगा एज यूजुअल दूसरे अकाउंट की तरह। उसके बाद इम्पोर्टेंट है आपका प्रोफाइल सेटअप, जैसे नाम, एड्रेस, यूज़र नेम, पासवर्ड, बिजनेस डिटेल्स एक्सेट्रा। उसके बाद बैंक अकाउंट डिटेल्स, कार्ड डिटेल्स और वेरीफाई बैंक अकाउंट, और आपका डिटेल्स यहाँ पे फुल्ली सिक्योर है। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को जब आप क्लिक करेंगे तब दो ऑप्शन आपको दिखाई देगा, एक इंडिविजुअल अकाउंट, दूसरा बिजनेस अकाउंट। इंडिविजुअल में आप सिर्फ पेमेंट भेज सकते हैं, बिजनेस अकाउंट में आप सेंड भी कर सकते हैं और पैसा रिसीव भी कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं, आप आपके अनुसार सिलेक्ट कर सकते हैं। हम अभी इंडिविजुअल अकाउंट में जाएंगे और आप आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार आप चूज़ कर लीजिए। जब आप नेक्स्ट करेंगे तब आपका मोबाइल नंबर डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद एक कोड नंबर आपके मोबाइल में भेजेगा, आप ये कोड नंबर डालेंगे। उसके बाद आपका ईमेल आईडी डालेंगे, उसके बाद एक पासवर्ड डालेंगे। एडिशनली आप आपके गूगल अकाउंट के साथ भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप लॉगिन करेंगे तब आपको एक रेफरल लिंक बनाने के लिए ऑप्शन मिलेगा, जिसके थ्रू आप अपने फ्रेंड्स को इन्वाइट कर सकते हैं और अप टू $100 तक अर्न कर सकते हैं। लेकिन ये सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए ही है। आपको यहाँ पे ये आपके प्रोफाइल पे ये ऑप्शंस आपको फिल करना है। आप देख के इसको ठीक तरह से आप फिल करेंगे। बिजनेस इंफॉर्मेशन में आपका नाम आएगा, ईमेल एड्रेस, फिर आपका एड्रेस आप जो आप देंगे यहाँ पे ऑटोमेटिक शो करेगा, आपका टेलीफोन नंबर, पासवर्ड, फिर बिजनेस इंफॉर्मेशन, ऐसा करके आप इसको फिलअप करेंगे और आप इस चाहे तो इसको एडिट भी कर सकते हैं। तो उसके बाद फिनेंशियल इंफॉर्मेशन, यहाँ पे आपको एक आपका जो बैंक डिटेल्स है यहाँ पे आपको सबमिट करना है, जो बैंक पेपॉल सपोर्ट करता है वही बैंक आप यहाँ पे डालेंगे। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगा, एक ऑप्शन है जैसे क्रेडिट कार्ड का नंबर वगैरह देने के लिए और नेक्स्ट है आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स देने के लिए। इसमें दोनों सेफ है, आप अगर आपका क्रेडिट कार्ड का डिटेल्स भी देंगे वो भी फुल्ली सिक्योर है, वो एक ट्रस्टेड साइट है, वर्ल्ड वाइड ट्रस्टेड साइट है,
तो हमारे केस में हमने इसको इसमें नहीं दिया, आप भी इसको मतलब इग्नोर कर सकते हैं और आपका बैंक का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो आपका बैंक डिटेल्स और IFSC कोड जो है ये IFSC कोड आप इस पर प्रोवाइड करना पड़ता है, बैंक का नाम, बैंक अकाउंट नंबर, नेम और IFSC कोड, तो उसके बाद इसको सबमिट करना पड़ता है। ऐसे करके हमने ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ पे ऐसे करके आप इसको फिलअप करेंगे। तो इसके बाद ये आपके बैंक के अकाउंट पे एक छोटा सा अमाउंट पेपल डिपॉजिट करेगा, डिपॉजिट करके वेरीफाई करेगा कि आपका जो अकाउंट है वो सही है कि नहीं। तो इसके हिसाब से आपका बैंक के अकाउंट में छोटा सा अमाउंट, 2 अमाउंट आपके अकाउंट में डिपॉजिट करेगा। उसके बाद फिर उसको क्या क्या अमाउंट्स है उसको आपको देख के इसको फिलअप करना है। 1-2 दिन का टाइम लगता है, मैक्सिमम 3 डेज लगता है एक्चुअली, और इसके पहले ही हो जाते हैं। तो और एक बार आप बाद में एक दिन या दो दिन बाद जब आप देखेंगे तो आपके बैंक के अकाउंट में कौन सा अमाउंट है एग्जैक्टली, ये अमाउंट जो है वो यहाँ पे आपको ऑप्शन पूछेगा कौन कितना अमाउंट आपके अकाउंट पे डिपॉजिट हुआ है, सेम अमाउंट आप यहाँ पे सबमिट करेंगे। तो ऐसे करके आपका बैंक वेरीफाई, ये लोग आपको बैंक वेरीफाई करेगा। और जो मेन जनरल इंफॉर्मेशन है जनरली होते हैं, जैसे आप दूसरे अकाउंट में आप लॉगिन करते हैं या साइन अप करते हैं, ऐसे करके आपको यहाँ पे साइन अप करना पड़ता है। थ्रू मोबाइल आपको OTP या OTP से आपको वेरीफाई करके आपको लॉगिन कराएगा, और थ्रू मेल भी आपको वेरीफाई कराएगा, ऐसे करके जनरली जैसे होता है। तो ऐसे करके आप वेरीफाई करके भीतर जाएंगे तो आपका जो डिटेल्स है, आपका प्रोफाइल डिटेल्स, बिजनेस डिटेल्स, आपका नाम, एड्रेस, ये आप डिटेल्स भरेंगे। उसके बाद फिनेंशियल डिटेल्स आप भरेंगे, इसके यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, एक है क्रेडिट कार्ड का जो नंबर है आप सबमिट कर सकते हैं, और दूसरा है आपका बैंक अकाउंट का जो है अकाउंट नंबर और IFSC कोड आप सबमिट करेंगे। तो जनरली आप अगर पेमेंट करना चाहते हैं, किसी को पेमेंट करना चाहते हैं, तब आप थ्रू क्रेडिट कार्ड ऐड करके आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप सिर्फ रिसीव करेंगे तो इसके लिए वो भी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपका बैंक अकाउंट आप डालेंगे थ्रू या ऐसे वेरीफाई करेंगे, और आपका जो ID नंबर है, सिर्फ ID नंबर किसी को शेयर करना है, पेपल ID नंबर शेयर करेंगे, ये थ्रू ID नंबर से आपको अगर कोई किसी ने आपको पैसा भेजना है तो थ्रू ID नंबर आपको यहाँ पे ये लोग डिपॉजिट कर देंगे, इतना ही है। और ये जो जितने सारे इंफॉर्मेशन है ये फुल्ली सिक्योर है, जितने सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस होते हैं इससे मैक्सिमम लोग ही ये जो पेपल का जो पेमेंट मोड है, पेपल का ऑनलाइन सिक्योर पेमेंट मोड है, इसको यूज़ करते हैं। तो आप भेज दीजिएगा, आप यहाँ पे ये जो पेमेंट मोड है इसको यूज़ करके आपका बिजनेस ट्रांजेक्शन आप कर सकते हैं इंटरनेशनली। इसके मेन फैक्टर है कि दोनों के पास एक पेपल ID होना चाहिए, वो ID जो है जब आप ID क्रिएट करेंगे तब पेपल आप दोनों को एकदम फुल वेरीफाई करके आपको ID क्रिएट करके देगा, ऐसा ये है सिक्योर सिस्टम। नॉर्मली मैक्सिमम बैंक्स के साथ पेपल का कनेक्शन हो जाता है, तो अगर बाय चांस किसी भी कारण कोई बैंक्स का लिंकअप नहीं हो पाता तो आप बैंक मैनेजर से एक बार पूछ लीजिए कि पेपल के साथ हमारा कनेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो ऐसे करके आप आपका जो पेपल अकाउंट है, इंटरनेशनल पेमेंट मोड का जो सिस्टम है वो आप पेपल के थ्रू आप कर सकते हैं सिक्योरली। इंटरनेशनल पेमेंट रिसीव करने के लिए आपको कुछ सर्विस चार्जेस पे करना पड़ेगा ट्रांजेक्शन के टाइम में, ऐसे करके आप एक ग्लोबल सिक्योर पेमेंट मोड के लिए पेपल में फ्री में अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रहिए फिट और कुछ कीजिए सुपर हिट। थैंक यू, नमस्ते।